हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शारदास डिलाइट। मैं हूँ शारदा। अभी देखिए, महंगाई जो है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बहुत सब कुछ महंगा हो रहा है। ऐसे में जो हम जो हाउस वाइफ है वो सोचते हैं कि अगर हम भी कुछ अगर काम कर सके घर बैठे ही, तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी और घर में थोड़ी मदद भी हो जाएगी। तो उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप अगर हाउस वाइफ हो, घर बैठे ही कुछ काम करना चाहती हो, एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहती हो, तो वो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। देखिए, अगर आपके पास कुछ भी ऐसे स्किल्स है तो जिसका उपयोग आप अपने एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए काम में आ सकता है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके हाथों में जादू है, आपके हाथों में बहुत अच्छा स्वाद है, आप अच्छा खाना बनाती हो जिसके तारीफ आपके घर वाले आपके रिलेटिव सब करते हो, और आप में वो कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, बना सकती हूँ, मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर स्नैक्स प्रोवाइडर बन सकते हो। अगर आपको अलग अलग रेसिपीज आते हो, अलग अलग खाना बनाना आता हो, तो आप स्नैक्स प्रोवाइड कीजिए। आजकल कंपनीज में स्नैक्स प्रोवाइडर्स लगते हैं, मीन्स जो कंपनी में होते हैं लोग बहुत से बाहर से आए हुए होते हैं, तो वो उनके लिए स्नैक्स वगैरह लगता है, कैंटीन लगता है, तो वहाँ पे आप स्नैक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप घर पे मेस चालू कर सकते हैं। जी हाँ, आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर जॉब के लिए जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं वो मेस लगाते हैं, जिनको घर का खाना चाहिए होता है, बजट में चाहिए होता है और अच्छा चाहिए होता है। तो अगर आपके पास वो एबिलिटी है, आप अगर वो कर सकते हो, आप ज़रूर मेस चालू कीजिएगा। मेस से भी आप बहुत अच्छा खासा कमाई कर सकती है। फिर अगर आपको अच्छे से पापड़ पिकर्स आते हो, जो भी जो समर्स में जिसको बहुत डिमांड होती है, आजकल तो बहुत डिमांड है क्योंकि बहुत सारे वर्किंग वुमन्स हैं, तो वो उनको घर में बनाने के लिए टाइम नहीं होता है, तो आप पापड़ पिकर्स वगैरह जो भी आप समर आइटम्स लगते हैं वो बना के आप बेच सकती हो। उसको भी बहुत अच्छी डिमांड है और इसमें भी अच्छी आपकी कमाई हो सकती है। फिर अभी वन डे कोर्सेस भी अभी चालू है, जैसे कि केक मेकिंग हो। जी हाँ, केक बनाकर आप होम बेकर बन सकती हो, केक बनाकर बेच सकती हो, तो आप घर से ये सब कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको कहाँ पे बाहर जाना है, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, जी नहीं, आप घर बैठ के ही केक बनाओ और आप केक बेच सकती हो, प्रोवाइड कर सकती हो, इससे भी आपको अच्छे से पैसे मिल जाएंगे। फिर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके वन डे कोर्सेस, वन डे वर्कशॉप्स अवेलेबल रहते हैं। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, थोड़ा सा ढूंढ लेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि चॉकलेट मेकिंग हो, कैंडल मेकिंग हो, और या फिर केक का तो मैंने बताया, वैसे ही जो आए टी टाइम केक वगैरह, मीन्स ऐसे छोटे छोटे जो है आप घर बैठकर ही ये बहुत सारे बिजनेस आप घर से कर सकते हो। और इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो लेके आइए, फिर जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा आप अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अभी जो सीजनल बिजनेस, सीजनल क्या होता है, जैसे अभी दिवाली है, अभी जो क्रिसमस आएगा तो तभी लगते हैं कैंडल्स, जैसे कि मैंने अभी बोला, इसके भी वर्कशॉप्स अवेलेबल होते हैं, तो आप कैंडल मेकिंग सीखे दिवाली में, क्रिसमस में, या फिर ऑल टाइम अभी जो रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, गिव अवेज देते हैं, तो उनके लिए भी ये काम आता है। जैसे कि सोप मेकिंग हो, सोप मेकिंग भी बहुत अच्छा बिजनेस है, आप घर से ही इसे बनाकर बेच सकते हैं, बहुत ही अगर रिजनेबल आप दाम में दे रहे हो तो ज़रूर आपसे लोग देंगे, अच्छी क्वालिटी रखिए, लोग ज़रूर आपके पास बार बार आएंगे। उसके बाद अगर सिल्क थ्रेड ज्वेलरी, ज्वेलरी का भी है, सिल्क थ्रेड ज्वेलरी आते हैं, उसमें कॉटन क्लॉथ की ज्वेलरी आती है, टेराकोटा है, मीन्स अलग अलग इसमें टाइप्स होते हैं, आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो सीखिए और उसका आप घर बैठ के बिजनेस चालू कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, आपको अगर खाना बनाना अच्छा लगता हो, आपके हाथों में वो स्वाद है, जादू है, अभी दिवाली में जो दिवाली का फराल लगता है, जो मैंने बोला लड्डू चिवड़ा चकली वगैरह वो होता है, उसको भी बहुत सारी डिमांड है होममेड प्रोडक्ट्स को, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला, बहुत सारी वुमन्स हाउस
सॉरी वर्किंग वुमन्स होती है जिनको घर में बनाना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर आजकल ऐसा है कि क्यों नहीं इतना बनाते बैठेगा, क्योंकि पहले जैसा अभी जॉइंट फैमिली नहीं रही, हर एक अपना न्यूक्लियर फैमिली है, तो इतना बनाने का झंझट नहीं लेते हैं तो, और उनको होममेड और अच्छा चाहिए होता है जो घर का स्वाद आए, तो ऐसे आप होममेड फराल बना के दे सकते, इसको भी बहुत सारा डिमांड है आजकल। और उससे भी ज़्यादा अगर आप थोड़े से ज़्यादा इन्वेस्ट पैसे करेंगे तो आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स कीजिए और अपने घर पर ही ब्यूटी पार्लर चालू कीजिए, आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है। देखिए कोई भी काम करना है तो सिर्फ कमाई के लिए मत कीजिए, आपको सच में जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही काम सीखिए और वही काम आप अपने कमाई का साधन बनाइए, ताकि अगर इंटरेस्ट हो तो वो काम आपसे बहुत अच्छा होगा, बहुत आप में उसमें बहुत ही पारंगत हो जाएंगे और लोगों को भी फिर आपका काम पसंद आएगा। सॉरी, देखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही काम कीजिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा आप मतलब ये कर सक अपने दिल डाल कर कीजिए, अपना मन डाल कर कीजिए, ना ही कि सिर्फ कमाई के लिए करना है। इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो बहुत आपका काम की क्वालिटी और अच्छी रहेगी और सामने वाले को भी आपका काम बहुत पसंद आएगा। तो ये थे मेरे कुछ हाउसवाइफ के लिए टिप्स कि आप घर बैठे ही ये बहुत सारे इनकम सोर्सेस से इससे भी ज़्यादा है, जैसे जैसे मुझे याद आए मैंने आपको बताया। आपके पास भी अगर कुछ आपके पास कुछ टिप्स हो, आपको भी अगर कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, तो नए चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, तो उसे भी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। और जो मैंने अभी बिजनेस आइडियाज़ बताए हाउसवाइफ के लिए कि आप घर बैठे ये सारे बिजनेस कर सकते हो, उसी का आगे का वीडियो मैं लाने वाली हूँ, जिसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में मैं कुछ नॉलेज दूंगी कि आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स अभी अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।